बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट वेरीज इन टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन एक्स इक्वल टू 4 + 2t - 3t² वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। यानी एक पार्टिकल है जो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। और उसका जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स इक्वल टू 4 + 2t - 3t² है, ठीक। और पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि व्हाट विल बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इनिशियल पोजिशन, ठीक है। और इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 4 + 2t - 3t², ठीक। तो आपको निकालना है क्या, इनिशियल पोजिशन। और इनिशियल पोजिशन निकालना है, इसका मतलब है कि फोर इनिशियल पोजिशन है ना, फोर इनिशियल पोजिशन टी इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, फॉर इनिशियल पोजिशन टी इक्वल टू 0। अगर इनिशियल का बात कर देगा तो वहाँ पे टाइम कितना ले लेना है, 0 ले लेना है। तब इस पे जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई इनिशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 + 2 - 0 - 3 - 0, ठीक है। तो 4 + 0 - 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 मीटर। ये आपका क्या आ गया, इनिशियल पोजिशन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हटाते हैं पहले यहां से, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे, ठीक है, क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, बट आपको यहाँ पे इक्वेशन किसका दिया है, डिस्टेंस का। तो आपको एक्स का दिया हुआ है और क्या मांग रहा है, भी मांग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको एक्स से भी मांगेगा तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। बट अगर वही भी से एक्स मांगता तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पोजिशन का इक्वेशन गिवन है, जिसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt = d 4 + 2t - 3t² / dt, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा भी हो जाएगा, तो भी इक्वल टू dx/dt = देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2t का करना है, तो dt/dt = क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, -3 × पावर देखिए कितना है, 2 है, तो आगे आ जाएगा, है ना। और पावर में एक माइनस करके लिखते हैं तो टी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भी इक्वल टू आपका आ जाएगा, भी इक्वल टू dx/dt = यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, -3 × 2 = 6t आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब है फोर इनिशियल वेलोसिटी t = 0, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0। तो भी इक्वल टू 2 - 6 × 0, यानी भी इक्वल टू कितना आ गया, 2 m/s आ गया, क्लियर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल रीच द मैक्सिमम पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैक्सिमम पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है इस वर्ड को पकड़ना है ना, मैक्सिमम पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है dx/dt = क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। dx/dt = क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एट व्हाट टाइम मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो थर्ड नंबर के लिए क्या लिख देंगे, v = dx/dt = 2 - 6t, ठीक। अब
जो dx अपॉन dt है इसको क्या दिखा देना है, जीरो दिखा देना है, तो जीरो इक्वल टू टू माइनस सिक्सटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टू इक्वल टू सिक्सटी, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से थ्री टाइम्स में, यानी देयरफॉर t इक्वल टू वन अपॉन थ्री सेकेंड, ठीक है, तो थ्री सेकेंड पे, वन अपॉन थ्री सेकेंड पे पार्टिकल जो है क्या हो जाएगा, रीच द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, ठीक, यानी वन अपॉन थ्री सेकेंड में वो मैक्सिमम पोजिशन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये तीनों क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।